Good morning to everyone. Good morning. Welcome to the day 5 of 7 days challenge. चलिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने कल फूड एज अ मेडिसिन को ज्वाइन किया और कैसा रहा आपका अनुभव. यू गाइस एंजॉयड, नॉलेज से भरा हुआ था, मजा आया. जिन्होंने किया यस लिखिए, यस एंजॉयड. सो मुझे पता चले कितनों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिली. And they enjoyed. Good morning, Preeti ji. Good morning, Usha ji. Good morning. Okay, that's great. Priyam ji बता रहे हैं. Me, उन्होंने join किया. Good. बहुत बढ़िया. चलिए, that's great. Superb. So आज fifth day है exercise का. हमारे fifth day है 7 days challenge का. So we are going to do some mobility exercises. Easy and इफेक्टिव मोबिलिटी एक्सरसाइजेस. मोबिलिटी एक्सरसाइज का मतलब होता है कि जो जॉइंट्स या खासकर ठंडी में स्टिफनेस होती है बॉडी में, सो उनको सुबह को उठकर बेड पर ही आप एक्सरसाइज करके 15 से 20 मिनट की आप स्टिफनेस को हटा सकते हैं, जो कभी भी आपके इंजरी का कारण नहीं बनेंगे इन फर्दर. चलिए, अलॉट मैं देख पा रहा हूँ. आशा मेहरा ने कहा अलॉट लर्निंग, ओके ग्रेट, यस एंजॉय. शोभा पटेल ने बताया है यस. Lot of Hina Punjabi, that's great. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, that's great. जिन्होंने अभी भी attend नहीं किया, अभी भी there are 2 days remaining, आज और कल का, तो आप definitely attend करिएगा. इसमें भी आपको बहुत कुछ learnings मिलने वाली है. और मुझे लगता है कल से ज्यादा आज होगा, and आज से ज्यादा again कल. So जिनसे आप share करना चाहते हैं, जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें भी definitely join करवाएं और आप जाए साथ में. चलिए, then we can start with the warm up today. सब जने अपनी अपनी जगह पर आ जाइएगा, थोड़ा सा पीछे. चलिए, वी कैन स्टार्ट देन. सिंपली दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर रखें एंड बिना हाथों को मोल्ड किए हुए हाथों को स्ट्रेट रखें एंड इस तरह से अप एंड डाउन करिए लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सेम थिंग हमें सामने करनी है इस तरह से. मुझे देखिएगा, हाथ पूरे सीधे लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and lastly 10. दोनों हाथों को फॉरवर्ड रोटेट करना है हमें 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. लेग्स को हल्का सा वाइड करेंगे हम लाइक दिस. दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्टली 10. अब हम करने वाले हैं स्ट्रेट लेग सिंगल टो टच. इससे आपके लेग के जो मसल्स हैं, आपके हैमस्ट्रिंग के जो मसल्स हैं, वो अच्छे खासे ओपन होने वाले हैं. आपको फील होने वाला है कि वहां पर थोड़ा बहुत पेन आ रहा है, लाइक इट्स नॉट पेन बट इफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है एक्सरसाइज का. अभी आपको क्या करना है, जो हाथ है, जो पैर है, लेफ्ट लेग है, लेफ्ट हैंड से जाकर आपको टच करना है लाइक दिस सिंपल. 1, 2 इस तरह से. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and lastly 10. सेम थिंग, इस तरह से एक पैर को आउट रखिए, एक पैर को आप सामने रखना है जिस तरह से मैंने रखा हुआ है, एक पैर को अंदर एंड लाइक दिस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and lastly 10. यस, चलिए ग्रेट. अब वहीं पर ही अभी हमें क्या करना है, लेग्स को थोड़ा सा और वाइड ही रखना है लाइक दिस. मेक श्योर कि आपके नी स्ट्रेट हो.
नी स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करिए ऊपर लाइक दिस, इस तरह से ज्वाइन करते हुए नी स्ट्रेट एंड नीचे लाना है लाइक दिस, नीचे लाना है एंड देन 1 2 3 एंड देन अप देन डाउन 1 2 3 एंड देन अप लाइक दिस 1 2 3 एंड देन अप लाइक दिस 1 2 3 एंड देन अप, ये हमें करना है 10 बार 1 2 3 एंड देन अप 1 2 3 एंड देन अप लास्ट 5 1 2 3 एंड देन अप 1 2 3 एंड देन अप 1 2 3 एंड देन अप लास्ट 2 1 2 3 एंड देन अप। चलिए ग्रेट, अभी वहीं पर ही हमें खड़े होते हुए हम लेने वाले हैं अभी एक ही जगह पर स्किपिंग रोप जंप्स, और आज लेने वाले हैं थोड़े से ज्यादा, जैसे हमने अब तक 25 लिए 30 लेते हैं, ठीक है। वी कैन स्टार्ट 30 स्किपिंग रोप सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 yes relax। चलिए we are done with the warm up, it's great, काफी लोगों को मैं जुड़ते हुए देख पा रहा हूँ, it's great, I hope आप सब enjoy कर रहे हो। चलिए आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं हल्का सा एंड देन हम आते हैं अभी नीचे फ्लोर पे। yes. चलिए मुझे देखिएगा आप, अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये पोजीशन लेनी है लाइक दिस। ये पोजीशन लेने के बाद एक पैर को सामने रखना है, बस इस तरह से सामने रखना है उसे 1 सेकंड के लिए होल्ड, और मेक श्योर कि आपका जो पीछे वाला पैर है वो हवा में होना चाहिए। अगर कंफर्टेबल नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप नीचे भी रख सकते हैं इस तरह से। इसमें होगा आपकी हिप जॉइंट है, जो आपका हिप जॉइंट है वो ओपन होगा इस तरह से, जिससे आपके लोअर बैक के पेन काफी हद तक ठीक हो गए या तो आपको होंगे ही नहीं। 1 सेकंड के लिए होल्ड, देन वापस पीछे जाना है। पीछे जाते हुए हमें थोड़ा सा माउंटेन बनाना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। ये माउंटेन जब बनाएंगे तो आपके शोल्डर स्कैपुला जो जॉइंट्स है उसमें काफी मोबिलिटी होगी एंड आपको शोल्डर में भी स्ट्रेंथ फील होगी। देन दूसरा पैर आगे एंड होल्ड फॉर अ सेकंड 1। चलिए अभी कंटिन्यूस करते हैं 2 3 4 5। आप चाहें तो इस तरह से नी नीचे रख सकते हैं एंड 6 and 7 and 8 and 9 and 10। चलिए ग्रेट, जैसे ही कंप्लीट हो जाए वहीं पर ही आपको आना है, मुझे देखिएगा लाइक दिस। आपको नीचे फ्लोर पर आना होगा जैसे कि मैं आया हुआ हूं लाइक दिस। हमें क्या करना होगा, इस तरह से एक पैर को क्रॉस रखना है और दूसरे पैर को भी इस तरह से क्रॉस रखना है लाइक दिस। ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना होगा, इनको उसी तरह से जस्ट टर्न करना है। मुझे ध्यान से देखिएगा, मैंने दोनों को 90-90 में कन्वर्ट किया गया है। जस्ट ओपन देम एंड शिफ्ट 1 2 3 4
फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ये आपकी बेस ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट उसे काफी स्ट्रांग करता है। कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे इस मूवमेंट में, या तो आपके पैर उठ रहे होंगे, जस्ट बिकॉज कि आपकी बॉडी स्टिफ है, आपकी लोअर बॉडी स्टिफ है। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट करने लगेंगे वैसे वैसे बॉडी में स्टिफनेस जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे ज्वाइंट के छोटे छोटे मसल्स की भी होती है, जैसे कि लिगामेंट हुए, टेंडन्स हुए, वो इतने छोटे मसल होते हैं बट स्टिल उन्हें भी थोड़ा मूवमेंट चाहिए होती है, तब जाकर वो आपके बोन्स को, मसल्स को जो जुड़े हुए हैं बोन्स के साथ, उनको अलग अलग दिशा में ले जाने में मदद करते हैं, ना कि स्टिफनेस आपको शो करता है। चलिए ग्रेट, अब हमें क्या करना होगा, इसी तरह से कैट का पोजीशन में आ जाइए, सिंपली लाइक दिस। इस पोजीशन में आने के बाद हमें करना है एक पैर को स्ट्रेट, उसको देना है आउट, इस तरह से आउट करना है, पीछे लाना है लाइक दिस, वापस ले जाना है, सीधा करना है और वापस आना है। इस तरह से हमें टोटल 10 काउंट्स करने हैं बहुत ही स्लोली। स्ट्रेट, टर्न, बैक, अगेन स्ट्रेट, रिवर्स एंड बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, टू काउंट्स, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, थ्री, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, फोर, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, फाइव, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, सिक्स, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, सेवन, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, एट, लास्ट टू, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, लास्ट वन, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न एंड बैक, लास्ट वन, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक। ये हुआ एक साइड के लिए। अगर आप अभी आपने कंटिन्यूस ये 10 काउंट्स कर लिया है तो आपको अभी महसूस हो रहा होगा कि एक साइड के जो आपके हिप जॉइंट है, आपके हिप मसल्स है, वहां पर थोड़ा सा फायर सेंसेशन जैसा आ रहा होगा। वो जस्ट मसल्स जो छोटे छोटे हैं जिनको कभी आपने डिस्टर्ब ही नहीं किया किसी एक्टिविटी के लिए, सो अगर आप ऐसी एक्सरसाइजेस करके उसको एक्टिवेट करते हैं तो वो अपने बॉडी का जो भी कार्य होता है, एक्सरसाइजेस होती हैं, जो भी मूवमेंट होती है, तो उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देना स्टार्ट करते हैं, और जब वो इन्वॉल्व होते हैं तब आपके ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा मसल काम करते हैं, और जितने ज्यादा मसल आपके काम करेंगे उतनी ही बॉडी अच्छी, फ्लेक्सिबल, स्ट्रांग और आपको इंजरी से दूर रखेगी। चलिए चेंज साइड लाइक द, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, वन, स्ट्रेट, टर्न, बैक, 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 थ्री, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, फोर, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, फाइव, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, सिक्स, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, सेवन, लास्ट थ्री, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, लास्ट टू, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न, बैक, लास्ट वन, स्ट्रेट, टर्न, बैक, स्ट्रेट, टर्न एंड बैक।
चलिए ग्रेट। तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की हो ये एक्सरसाइजेस, कैसा रहा अनुभव इन एक्सरसाइजेस का? क्योंकि हमने काफी बार जिम की है, हमने काफी बार बाकी एक्टिविटीज की है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए, लेकिन ये स्पेशली मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है। जब आपकी बॉडी किसी भी वर्कआउट के लिए रेडी होती है, वर्कआउट के लिए रेडी होना मतलब उस वर्कआउट को जब हम करते हैं तब आपको पूरी रेंज में करना होता है, लाइक अच्छे से हाथों को पीछे ले जाए, अच्छे से हाथों को सीधा रखे। बट अगर उससे पहले आपने मोबिलिटी नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से रुक रहा है, तो इंजरी होने के चांसेस होता है। तो इसलिए मोबिलिटी करना बहुत जरूरी है, खास करके लोअर बॉडी में, क्योंकि अक्सर वो हम काम उससे लेते हैं, बट लोअर एंड अपर बॉडी के बीच में जो वेस्ट है, अपर एंड लोअर बॉडी के बीच में जो वेस्ट है, हिप पार्ट है, उसकी हमने आज तक कॉन्शियसली कोई एक्सरसाइज नहीं की है। अगर आप देखेंगे, सोचेंगे कि हमने लास्ट हिप की एक्सरसाइज कब की, वेस्ट की, पेल्विक एक्सरसाइजेस कब की, तो आप सोचेंगे कि मैंने कभी की नहीं। वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे अपर एंड लोअर बॉडी को जो ज्वाइन करने वाले मसल्स होते हैं वो वही होते हैं, और ये मोबिलिटी उनकी है, तो आप कभी इंजर्ड नहीं होंगे। चलिए वी कैन मूव फर्दर। आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। यस, अब हमें ऑलमोस्ट प्लैंक जैसी एक्सरसाइज करनी है, नॉट प्लैंक, और वो हमारे एल्बो के लिए होगी, ये हमारे शोल्डर के लिए होगी। चलिए मुझे देखिएगा, आपको बस इस तरह से ये पोजीशन रखनी है, लाइक दिस, अपने लेग्स को इस तरह से थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है और इस तरह से थोड़ा सा आगे और पीछे करना है, स्लोली स्लोली। मुझे देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and lastly 10। जिन्हें लगता है थोड़ा लोड ज्यादा आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर थोड़ा सा वेट ज्यादा, तो आप ये 5-5 रेपिटेशन भी कर सकते हैं, 2-2 या 4-4 रेपिटेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए साइड को चेंज करते हैं, अभी हम चीज को चेंज करते हैं, लेट्स मूव। अभी हमें इस तरह से साइड वाइज सोना होगा, लाइक दिस, साइड वाइज सो जाइए, एक पैर को आगे रखिए इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जो आपके सामने है फ्लोर वहां पर टच करना है। अगर आपके पास पिलो है, आप ऑफकोर्स घर से कर रहे हैं, रूम में हो, तो एक और चीज कर सकते हैं कि आपकी नी के नीचे यहाँ पर पिलो यूज कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास मैट है, बट वो मैट इतनी थिक नहीं है पिलो जितनी, तो मैं इस तरह से नीचे रख रहा हूं। तो आप पिलो रख सकते हैं यहाँ पर एक, और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप पिलो यहाँ पर भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। मेक श्योर कि अभी आपने जो अपना नी यहाँ पर रखा है, अपना हाथ यहाँ पर रखा है, सो अभी जो अपर बॉडी आपकी ट्विस्ट करेगी इस तरह से, पहले यहाँ एंड देन पीछे जाना है। तो मेक श्योर जब आप पीछे जा रहे हैं, तब आपकी नी जो आप पिलो पर रखने वाले हैं या फ्लोर पर रखें, उसको यहां से उठाना नहीं है। तब जाकर आपकी बॉडी क्रंच होगी, क्योंकि एक हिस्सा जा रहा है आगे, एक हिस्सा जा रहा है पीछे, तो क्रंच होना है यहां पर, क्रंच होना है आपकी बैक पर, ठीक है? इस तरह से 1, 2, 3, इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 10 पे होल्ड करिएगा यहां पर, 5, 4, 3, 2 and relax। चलिए वी कैन चेंज दी साइड, हम साइड को चेंज कर देंगे लाइक दिस। अगेन एक पैर को सामने रखेंगे और इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
एट नाइन एंड लास्टली टेन. होल्ड फॉर 5 seconds. 5, 4, 3, 2 एंड डन. यस अभी वहीं पर ही रहना होगा अगली चीज के लिए. अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों पैरों को आपको सामने रखना है जैसे कि मैंने रखा लाइक दिस. दोनों पैरों को सामने रखिए. मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो, इस तरह से राउंड नहीं होनी चाहिए लाइक दिस. जैसे कि आपने कभी देखा हो, आजकल तो नहीं दिखना मिलता, वो शायद विलेजेस में होता होगा कि जिस तरह से चक्की को पीसा जाता था पहले विलेजेस में. सो उस तरह से एक्चुअली वो टेक्निक बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें आपके आर्म्स, आपके शोल्डर, आपकी बैक, आपके लेग्स वैसे ही वो फ्लेक्सिबल होने स्टार्ट कर देते थे. हमें पता नहीं था कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हम एक्सरसाइज करते थे. सो जस्ट आपको करना है किस तरह से आपने कोई होल्ड किया है बट चक्की एंड उसे इस तरह से पीसी है लाइक दिस. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and lastly 10. दोनों हाथों को पीछे रखिए इस तरह से. यस इस तरह से चेस्ट आउट एंड 5 seconds होल्ड. 5, 4, 3, 2 and 1. अभी जिस साइड से हमने स्टार्ट किया था राइट टू लेफ्ट गए थे, अभी लेफ्ट टू राइट आएंगे. ठीक है. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and lastly 10. Yes, great. अगर स्टिल आपके आसपास कहीं इस तरह से होता हो, और शायद आपके अगर घर में ही ऐसा हो रहा हो, तो एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं, तो थोड़ा मदद भी कर लीजिए आपके घर में चक्की पीस कर. चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. बटरफ्लाई पोजीशन बनानी है. ठीक है. और अभी सिंपली सिर्फ हमें नीज को इस तरह से अप एंड डाउन करना है फॉर 25 times धीरे धीरे लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last 5, 4, 3, 2 and done. Chaliye, that's great. So we are finally done with the exercises today. बस मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी. तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजों को लिया है. दैट टेस्ट एक फर्स्ट हमने लिया था प्लैंक, सेकंड लिया था स्क्वाट होल्ड, थर्ड लिया था लेग बैलेंस, फोर्थ लिया था हमने साइड प्लैंक. 1, 2, 3, 4 उन चारों चीजों में से आज एक चैलेंज को हमें करना है. बस उसके टाइमिंग्स डिसाइड मैं करूंगा, चीज आप डिसाइड करिए. सो 1, 2, 3, 4 जितने ज्यादा वोट्स होंगे 1 को, 2 को, 3 को या 4 को उस प्रकार हम एक्टिविटी अभी लेने वाले हैं एंड देन उसके बाद हम करने वाले हैं स्ट्रेचिंग. सो जितने ज्यादा वोट्स होंगे जिस चीज को वो करने वाले हैं, चीज आपकी, सेकेंड्स और टाइमिंग्स मेरे. सो चलिए सब मुझे बताइए कि आज हम क्या करने वाले हैं. फर्स्ट वन है हमने जो किया था दैट इज प्लैंक, सेकंड है स्क्वाट होल्ड, थर्ड है एक लेग आंखें बंद और बैलेंस करना, वो बहुत इजी है, वो ज्यादा ना चुने तो ज्यादा अच्छा, एंड चौथा है साइड प्लैंक जो जस्ट हमने कल किया था. लिखना स्टार्ट करिए चैट में सो मुझे पता चले कि ज्यादा लोग क्या चाहते हैं करना. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. चलिए स्कॉट स्कॉट प्रियांशी जैन जी आपके एक वोट से एक ही बार चलेगा. आपने दो बार लिखा तो दो बार स्कॉट नहीं किया जाएगा. फर्स्ट प्लैंक, चलिए एक स्कॉट एक प्लैंक. आगे बताइए थर्ड. ओके सिंगल लेग बैलेंस, चलो एक 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 तीनों को मिला है. प्लैंक दो प्लैंक, प्लैंक आगे. ओके प्लैंक कैन बैलेंस, प्लैंक आगे. फोर्थ एक ही वोट, प्लैंक आगे. अब तक प्रायोरिटी प्लैंक है हमारी. अगेन प्लैंक आया है. चलिए 6 वोट प्लैंक को. फर्स्ट एंड यस दैट वाज प्लैंक. 6, 7 वोट. मुझे नहीं लगता कि प्लैंक से कोई जीत पाएगा आज.
स्कॉट, ओके नाइस, चलिए ग्रेट। दर्शना पटेल जी प्लैंक, ओके साइड प्लैंक एक वोट, ओके तीन वोट साइड प्लैंक, प्लैंक नाइन। मुझे लगता है कि हमें अभी प्लैंक करना चाहिए बिकॉज मुझे लगता है कि अभी ज्यादा ज्यादा 10 to 11 वोट्स हैं प्लैंक को, लेट्स स्टार्ट प्लैंक देन। बट टाइमिंग्स मैंने कहे थे, चलिए टाइमिंग्स के भी ऑप्शंस दे देता हूं आपको, ठीक है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं देख रहा हूं तो सर आप खुद ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। सो वी हैव द टाइमिंग्स 30 seconds, 45 seconds, 1 minute, ये तीन टाइमिंग्स हैं, कितने करना चाहेंगे और प्लीज जो भी आप लिखेंगे वो हमें करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला मैं अपना टाइम देखूं और मैं करूं क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा। चलिए देयर आर थ्री ऑप्शंस 30, 45 and 1 minute, हम फाइनली प्लैंक करने वाले हैं, आप लिखिएगा कि हम कितना करें, अगेन मेजोरिटी होगी उतना टाइम करने वाले हैं। यस 1 minute, ओके 1 minute लिखा है, 35 seconds, दैट वॉज नॉट द ऑप्शन बट ठीक है नो प्रॉब्लम। यस वी आर गोइंग प्रियंका जी, यस सुपर एक्साइटेड प्रियंका जी, गो गो गो, यस लेट्स गो लिखिए क्योंकि गो मतलब मुझे जाना होगा, लेट्स गो लिखेंगे तो आप भी चलेंगे प्लैंक की ओर प्लीज। 1 minute, 1 minute, 1 minute, चलिए बढ़िया लास्ट, ओके दैट्स ग्रेट 45 seconds। पूरी शर्मा जी 15 seconds ही दूर है, चलिए आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, दैट्स ग्रेट, लेट्स गो विद द प्लैंक फॉर अ मिनट। सब जने पोजिशन ले लीजिएगा, हम पहुंच रहे हैं प्लैंक की ओर। चलिए इस तरह से हमें मैट को पहले तो करना है थोड़ा सा डबल, जैसे कि आप रख पाए अपना एल्बो, ठीक है लाइक दिस, इस तरह से रख दीजिएगा एल्बो को। टाइमिंग्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, ओके लाइक दिस, ये पोजीशन, एक पैर यहां पे, 3, 2 and start। चलिए वी आर गोइंग 5 seconds done, 10 seconds done, 15 seconds done, great, 20 seconds done, 25 seconds done, 30 seconds done। चलिए हाफ पे देर पहुंचने वाला है, कोई छोड़िएगा मत, वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुके होंगे, बट दिस इज द चैलेंज जिसके लिए आपने पार्टिसिपेट किया है, दिस इज द चैलेंज एक्चुअली। चलिए 40 सेकंड्स हो चुका है, 20 सेकंड्स लेफ्ट, वी आर जस्ट ऑलमोस्ट देयर, 15 सेकंड्स लेफ्ट, सब कर रहे हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 10। चलिए ग्रेट ग्रेट सुपर, एक बार मैं सबके लिए तालियां चाहूंगा, दैट्स ग्रेट, आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, सुपर, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा है कि अभी कोई ठंडी असर नहीं कर रही, 1 मिनट के प्लैंक में इतना पावर था। चलिए वी आर गोइंग टू स्ट्रेचिंग नाउ, सब वहीं पर ही रहिएगा, ग्रेट डिड इट, सुपर, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट, यस। चलिए वी कैन स्टार्ट स्ट्रेचिंग नाउ, द लास्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज द स्ट्रेचिंग, इवन एवरी पार्ट वॉज द बेस्ट बट स्ट्रेचिंग। चलिए इसी तरह से इस पोजिशन में रहिएगा, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट दोनों नीज को इस तरह से होल्ड करना है फॉर दी 10 seconds, टाइटली बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, थोड़ी सी स्टमक के लिए नीज के बीच में गैप रखिएगा फॉर 10 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वहीं पर ही दोनों नीज को किसी एक साइड लीन कर दीजिए और दोनों हाथों को ऑपोजिट रखिए उसके, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सेम थिंग साइड चेंज, इस तरह से ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट साइड नी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वहीं पर ही दोनों टोस को होल्ड करिए
एनी स्ट्रेट लाइक दिस 10 seconds के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 ग्रेट। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखिए और इस तरह से नीचे से जाकर स्ट्रेच करिए, खींचिए उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 साइड को चेंज लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 वहीं पर ही ऑन स्टमक शिफ्ट होना होगा हमें। लेट्स शिफ्ट ऑन स्टमक। दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल एंड जस्ट टेक योर अपर बॉडी अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and slowly 10 दोनों नीज के बीच में ले जाइए अपने नोज को। लेग्स डाउन चाइल्ड पोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 वहीं पर ही कैट काउ फेस अप 10 seconds के लिए हिप बैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 देन फेस डाउन बैक अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 गुड। वज्रासन पोजीशन में रहिए इस तरह से। एक हाथ को इस तरह से रखना, देखिए जो हाथ सीधा है इस तरह से और जो दूसरा है वो पीछे लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी जो पीछे था वो आगे आएगा, वो ऑपोजिट जाएगा एंड लाइक दिस एंड देन दूसरा पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 लास्ट दोनों हाथों को ज्वाइन एंड देन स्ट्रेच अप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 चलिए वी आर डन विद द डे। आज के लिए इतना ही। आई होप वी हैव एंजॉयड दिस सेशन। इट वॉज अ ग्रेट मोबिलिटी सेशन और आप इसे जब चाहे तब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक जिम टाइमिंग्स की नीड नहीं होगी। जस्ट इफ यूर लाइक वेकिंग अप एंड आपको लगता है कि थोड़ी बॉडी स्टिफ लग रही है देन यू कैन डू ऑल्सो एंड यू कैन स्टार्ट योर डे। चलिए वेलकम वेलकम वेलकम। इट्स ग्रेट कि आप लोगों ने एंजॉय किया एंड स्टिल दिस इज द डे टू ऑफ FAM food as a medicine. So आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। स्टिल देर आर टू इंपॉर्टेंट डेज। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कल का उससे भी ज्यादा। सो जिन्होंने मिस कर दिया, आपको लगता है कि जिनके पास कल टाइम नहीं था, तो उन्हें लिंक भेजिए, मैं कैप्शन में डाल रहा हूँ, उन्हें जरूर कहिए कि वो ज्वाइन करें एंड दैट इज सो गुड, दैट इज सो मच वैल्यूएबल, दैट इज सो मच वर्दी। FAM.fitbharatmission.com चलिए टिल दैट हम मिलते हैं कल सुबह 7:30 एंड टुमारो वुड बी अवर लास्ट चैलेंजिंग डे। सो मोस्ट ऑफ हम सारे चैलेंजेस करने वाले हैं कल। सो कल कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कल सबको आना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू सो मच थिंग्स इन वेरी लेस टाइम, डोंट वरी, कहीं आप नहीं थकने वाले। सो सी यू, आपका दिन शुभ रहे, कल सुबह 7:30।